सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिया का। सो 100% कैनेडा वीज़ा की पॉसिबल है, केड़िया-केड़िया चीज़ां है जिहड़ियां स्टूडेंट के हाथ में है, वह की कर सकता है अपनी प्रोबेबिलिटी वधाने वास्ते। अज दे साडे गैसट ने वीज़ा ऑफिस के डायरैक्टर गगनदीप सिंह जी, स्वागत है जी। थैंक यू दीपक जी एंड सत श्री अकाल सारिया नूं। सो गगन जी, सब तो पहला सवाल की 100% वीज़ा पॉसिबल हुंदा है, तो स्टूडेंट के हाथ च की चीज़ा ने कि वह इंश्योर कर सके कि वीज़ा आलमोस्ट उदा लग जाए। देखो दीपक जी, सब तो पहले तो यह कहना इतने सही नहीं होएगा कि 100%, बट यस 100% उस चीज़ नूं बच्चा खुद कन्वर्ट कर सकता है। ये सब तो वड्डा मेजर रोल प्ले अगर होंदा तो वह बच्चे दे वल्लों है, यानी कि उस स्टूडेंट दे वल्लों है, अगर वह अपना वीज़ा लेना चाहता है। तो ध्यान रखने वाली कि चीज़ा है, सब तो पहले देखो, अगर समटाइम्स कि हाली पास्ट की अगर गलतियां देखिए और बच्चा अगर वो गलतियां ओवरकम कर जाता है, सो डेफिनेटली वो बच्चा भी अपने एक रिफ्यूजल केस नू भी वीज़ा दे विच कन्वर्ट कर सकता है। बट समा अगर वो बच्चा वो मिस कर जाता है वो पॉइंट्स नू, तो डेफिनेटली फिर वो जड़ा वीज़ा नहीं बनेगा। जिहड़ी चीज़ आपां रखी है ध्यान रखने वाली चीज़ जिहड़ी आपां कही है, सब तो पहला तुहाडी प्रोफाइल बहुत मैटर करती है और उसनू समझण दी भी बहुत लोड़ हैगी है। इत्थे सिर्फ बच्चा यह ना कहे कि हाँ जी मेरे सिर्फ बैंड आ गए ने जी, बेशक मेरे को 57% मार्क्स ने बैंड, लेकिन मेरे 6.5 नॉट लैस दैन 6 बन चुके ने, हुण ते मेरा कैनेडा का वीज़ा रखिया ही है। वो जिहड़ा कॉन्फिडेंस लैवल है ना, जिहनू कहिंदे ना ओवर कॉन्फिडेंट होना, वो भी कितें ना कितें बहुत गलत होंदा है। सो इस सिर्फ एक कल्ले बैंड दे स्कोर दे उत्ते तुहाडा बच्चो वीज़ा नहीं आना। दिक्कत कितें आ जाती है? दिक्कत है अपनी प्रोफाइल नू समझण दी। मेजरली तुसीं जिहड़ी पढ़ाई कीती है ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ GPA ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ ਪਰ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, मेजर रोल हुण इत्थे की प्ले करेगा, तुसी बेशक अपना जिहड़ी स्टडी कीती उस तो बिल्कुल रिलेवेंट स्टडी अगे दी लैकर चल रहे हो, स्टडी प्रोग्रेशन भी बहुत स्ट्रोंग बनाया होया, बट उन्हूं अगर जिहड़ा आपां मैनशन करना है अपने वर्ड्स विच जिहड़ा देना है, वह तो SOP है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ परपस, जिहड़ा सब तो वड्डा रोल प्ले करेगी तुहाडा वीज़ा लैण विच। मैटर की करता है इस चीज़ नूं ध्यान नाल समझ लियो, स्टेटमेंट ऑफ परपस विच तुहाडा परपस ऑफ विजिट, तुहाडा टैंपररी स्टे जिहड़ा उत्थे है, तुहाडी इंटेंशन जिहड़ी हैगी है, तुहाडे फंड, तुहानूं कौन स्पोंसर कर रहा है, फाइनैंशियल्स कौन दिखा रहा, उन्हां दे किन्ने कु फाइनैंशियल्स हैगे ने, यह सारी चीज़। एंड द लास्ट जिहड़ी प्रेजेंटेशन है तुहाडी फाइल की, वह बिल्कुल प्रॉपर वे विच होनी चाहिए, ताकि जदों वीज़ा ऑफिसर दे कोल तुहाडी फाइल पहुँचे और वह जदों तुहाडी वो चीज़ां नूं देख रहा है, तुहाडी इंटेंशनस नूं उहदे विच क्लीयरली फाइंड आउट कर रहा है कि यह बच्चा क्यों कैनेडा आ रहा है, उहदा परपस की है और अगे उहदा आउटकम की दे रहा है उस चीज़ नूं, वह सारी चीज़ां अगर तुहाडे SOP दे विच वर्णन कीती हुई हैं, दित्ती हुई हैं, अगर वो चीज़ां तुसीं, डेफिनेटली तुसीं भी अपना कैनेडा दा फिर कह सकते हैं 100% वीज़ा अवेल कर सकते हो। बट सम आओ अगर तुसी इना दे विचो कोई भी पॉइंट अगर लैट डाउन कर जाते हो, यानी मिस कर जाते हो, सो वो तुहाडा फिर वो कितने ना कितने तुहानू कॉम्प्लीकेशन दे सकता है। सो इस करके अपनी फाइलिंग दे टाइम ते, यानी कि जदों तुसी अपनी फाइल लॉज कर रहे हो एम्बेसी दे विच, एक एक डॉक्यूमेंट नू चंगी तरह चैक करके लॉज कर रहे हो, चाहे तुहानू 2 वारी 3 वारी ही क्यों ना उस डॉक्यूमेंट नू चैक करना पाए, कितने ऐ ना करो नकली ना करो इत्थे कि अखा बंद कीतियां और लातियां चीज़ा, अगर इदा करोगे तो पिछे भी बहुत रिफ्यूजल्स आए ने, तो फिर अगे भी उइयो काम रहेगा। बट असी इत्थे वीज़ा लेना चाहते हैं, इसी करके तुहानू इह चीज़ की नॉलेज भी दे रहे हैं, बाकी समझना तुहाडे उत्ते है। अगर यह पॉइंट्स नू गैदर कर लोगे, डेफिनेटली तुसी भी अपना कैनेडा का वीज़ा ले लोगे। सो कैनेडा वीज़ा नू लैके किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन है, तुसी वीज़ा ऑफिस की टीम नू मिल सकते हो, नंबर डिस्प्ले हो रहा, कॉल भी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।